हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? तो दोस्तों यहाँ पे एक और वीडियो जो है हम लेके आ चुके हैं, और आज के वीडियो में जो है हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं। टेंशन है दोस्तों, यहाँ पे डोई कंपनी के द्वारा बनाया हुआ मिल्क क्रीम वाला जो व्हाइट आता है, व्हाइट कलर का साबुन आता है, उसको हम अनबॉक्स एंड रिव्यू करेंगे। स्पेशली ये जो है ना सर्दियों में जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो 12 के 12 महीने इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप जो है दूसरे जो है साबुन जो कि ज़्यादा फ्रेग्रेंस देते हैं उसके कंपेयर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे डेली मॉइस्चराइजेश मतलब ये लोग जो है ना इस तरीके के, जैसे कि ग्लिसरीन साबुन है, ग्लाइसेप जो आता है, या तो फिर अपने क्या बोलते हैं कि डव आता है, ऐसे सभी साबुन जो है पियर्स हैं, वो सब क्लेम करते हैं कि भाई हमारे साबुन से जो है मॉइस्चराइजेशन होता है दोस्तों। वैसे तो जो क्या बोलते हैं खुशबूदार साबुन है उसके कंपेयर में जो है ये साबुन से जो है आपकी स्किन रूखी कम होगी, बट दोस्तों इससे मॉइस्चराइजेशन होता हो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं है दोस्तों। इसके जो है दो और वर्जन भी आते हैं, हनी ग्लो और एलोवेरा नेचुरल। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों के अंदर यूज़ करने से ऐसा कोई मुझे खास डिफरेंस यूज़ नहीं मतलब कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं लगा है जिससे कि हम कह सकें कि भाई ये जो है हमने मतलब कुछ एलोवेरा यूज़ किया है और या तो कोई हनी जैसा यूज़ किया है। ये जो है खाली एक हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से जो है इन लोगों ने ये फ्लेवर जो है उसका नाम दिया है, कलर कलर दिया है ऐसा, बाकी ऐसा कुछ है ऐसा मुझे नहीं लग रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डोई का बक्सा है, तो एक के अंदर 3 आते हैं, बट ऑनलाइन जो है एक के अंदर 4 आते हो ऐसा ही अवेलेबल है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का वाइट कलर का साबुन आता है। तो वैसे जो है मेरी स्किन जो है आप देख सकते हैं काफ़ी जो है ड्राई हो जाती है सर्दियों में, तो यहाँ पे जो है इस तरीके के साबुन से ये ड्राइनेस जो है वो ज़्यादा नहीं होती है, स्किन ज़्यादा रूखी नहीं होती है क्योंकि इसमें जो है ग्लिसरीन का यूज़ किया होता है। फिर भी जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, तो ये जो है कंटेंट उसको आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, शांति से जो है थोड़ा सा पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो जो नॉर्मल हमारे खुशबूदार साबुन है उसके कंपेयर में जो है इसमें क्या बोलते हैं कि जो स्किन को ख़राब कर सके ऐसे तत्व जो है कम रहते हैं। ग्लिसरीन का कहें कहीं पे ज़्यादा वो नहीं लिखा हुआ है, इसमें क्या है, इसमें लिखा है ग्लिसरीन, इसमें जो है मिल्क क्रीम लिखा हुआ है। ये मुझे लगता है सभी चीज़ें जो है आर्टिफिशियली है, इसमें कोई नेचुरल चीज़ हो ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। उसके अलावा जो है यहाँ पे गोदरेज नंबर 1 करके साबुन आता है, इसको भी मैंने यूज़ किया है, और बाकी पियर्स जो है डव है वो तो मैंने यूज़ किया ही किया है, उसका लिक्विड सोप भी आता है उसको भी मैंने यूज़ किया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का ये साबुन आता है। इसके बाद और साबुन है वीवेल करके है, ये भी मैं मतलब 4-5 साल से ऊपर से जो है इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसका जो है ये वाइट वाला जो साबुन आता है स्पेशली वो वाला, ये जो है इस तरीके का साबुन आता है जो कि आपको इसके जैसा ही लगेगा। तो इसको भी जो है मैंने काफ़ी समय तक यूज़ किया है, एलोवेरा सैटिन स्किन और ये फलाना ढिमकाना। तो इससे जो है ना नॉर्मल स्किन जो है ड्राई हो जाती है साबुन यूज़ करने से, वो चीज़ नहीं होगी, बट इसको यूज़ करने के बाद भी जो है आपको किसी ना किसी तरीके का जो है ना क्या बोलते हैं कि मॉइस्चराइजेशन क्रीम तो लगाना पड़ेगा, चाहे ये इस तरीके का हो या तो फिर ये अपना वैसेलिन टाइप का पेट्रोलियम जेली जो आता है वो है, तभी जो है आपको कुछ फ़ायदा होगा, बाकी खाली साबुन से मॉइस्चराइजेशन होता नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है दोस्तों। तो ये जो है आपको डोई जो है वो आपको ये तीनों के तीनों जो है लोकल मार्केट में आराम से मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, तो आप कहीं से भी इसको खरीद सकते हैं। इसकी बेस्ट बाय लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने ये वाला भी यूज़ कर लिया है, वीवीएल भी यूज़ किया है, और उसके अलावा भी 2-3 थे ग्लिसरीन वाले, डव पीएस तो है ही, वो तो यूज़ किए, काफ़ी महंगे आते हैं, बहुत ही जल्दी जो है ख़त्म हो जाते हैं, तो इसीलिए जो है मैं इसके ऑप्शंस जो है ढूंढ रहा हूँ दोस्तों। तो डोई भी जो है काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, हमारे घर में बहुत सारे लोग जो है इसको यूज़ करते हैं, और आप चाहे तो जो है ना इसको साबुन को जो है कैसे बनाया जाता है घर पे, तो उसकी भी एक किट आती है और एक ऑनलाइन ट्रेनिंग भी है, तो उसकी भी वीडियो सॉरी उसकी भी जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको भी आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, और इसकी भी बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो सिंपल सा एक वीडियो था, वैसे तो इससे मैं नहा के तो आपको बताने वाला नहीं हूँ, बट ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था दोस्तों। अभी मैं इसकी टेक्निकल डिटेल में ज़्यादा जाऊँगा नहीं, एक वीडियो जो है मैं उसमें हम इसको टेक्निकल डिटेल में भी समझेंगे कि साबुन जो है कौन सा सही होता है कौन सा जो है मतलब ख़राब होता है, वैसे साबुन से नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए, पुराने तरीके से जो है पहले नहाते थे उस तरीके से नहाना चाहिए क्या करना चाहिए,
तो उसका भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा दोस्तों। तो अभी आप कौन से साबुन यूज़ करते हैं और आपकी स्किन जो है किस तरीके की है, सेंसिटिव है, ड्राई है, क्या बोलते हैं कि ऑयली है, क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ, हैव अ नाइस डे।